नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुजन समाज के बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं हमारे साथ अमरीश सिंह जी। अमरीश जी, आपका एसएम न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद आपका। अमरीश जी के बारे में हम लोग बता दें, इन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी हैं और बहुत अच्छे से हर एक सरलीकरण में उसकी व्याख्या भी करते हैं। आप बामसेफ से भी हैं। अमरीश जी, अब ये जो बामसेफ है ये होता है क्या, उसको बताएं, जो साहब काशीराम के द्वारा बताते हैं निर्मित है, ये क्या है बामसेफ और ये क्यों बामसेफ का गठन हुआ, क्या ये बामसेफ है उसके बारे में थोड़ा सा खुल के बताएं। बामसेफ का पूरा जो नाम है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लाइज फेडरेशन है ये जी। तो बैकवर्ड के अंदर एससी एसटी ओबीसी है जी। तो ये जो है वो देखा गया कि देश के अंदर जो है वो ये वर्ग जो है ये शोषित वर्ग है जी। और ये देश में जो है 85% के आसपास जो है शोषित वर्ग है और 15% जो देश का जो कुलीन वर्ग जिसको कहते हैं वो इसके अंदर हर एक क्षेत्र के अंदर अपना वर्चस्व बनाए हुए है। तो कांशीराम जी ने ये विचार बनाया था कि यदि इनको अपनी दरिद्रता और लोगों के पिछड़े लोगों को अपनी स्थिति सुधारनी है तो उनको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उस समय देख रहे थे कि ये पूरा का पूरा जो थोड़ा सा इसके अंदर समझबूझ वाला समाज था वो भी उन्हीं 15% के पीछे लगा हुआ था। तो उनका मानना था कि जब तक ये इनके पीछे लगे रहेंगे तो ये तब तक इनका जो सुधार नहीं हो सकता, वो इनका शोषण ही करते रहेंगे जी। तो इनको जो है उन्होंने दूसरा ये देखा कि जो समाज के अंदर किसी समाज की अगुवाई करना जो होता है वो उसके शिक्षित वर्ग का काम होता है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि शिक्षित वर्ग पहले तैयार कर दें, तो शिक्षित वर्ग तैयार हो जाएगा तो बाद में मास मूवमेंट बना के जो है और ये जो परिस्थिति है ये अपनी सुधार कर लेंगे। तो पे बैक टू द सोसाइटी उन्होंने इसका नाम दिया था कि जो शिक्षित वर्ग है, जो नौकरी पेशा वर्ग है और इस समाज की क्रीम है, उसको समाज का ध्यान रखते हुए ये समाज के काम भी करने चाहिए नौकरी के अलावा, तो इसलिए उन्होंने बामसेफ की रचना की थी। एक बात बताइए, बामसेफ की रचना करी थी लेकिन काशीराम साहब ने पता लगा था कि वो बामसेफ ख़त्म भी कर दिया था और आज जो है वो कई सारे बामसेफ चालू हो गए हैं। तो ये कई सारे जो बामसेफ है क्या डिफरेंसेस हैं और इसका जो ओरिजिनल जो कैडराइज है, जो व्यक्ति है, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, वो बताएँ। ये एक स्कूल ऑफ थॉट था जिसके अंदर जैसा मैंने कहा पे बैक टू द सोसाइटी के थॉट्स के ऊपर था कि वो लोग जो समाज की क्रीम है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सर्विसेज के अंदर आ गए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल अपने परिवार के प्रति नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे समाज के प्रति है और पूरे समाज की जो भी समस्याएँ हैं उनके बारे में वो विचार करें और उन समस्याओं का हल निकालते हुए समाज को जागरूक करें। तो ऐसा नहीं है उसको ख़त्म कर दिया गया था, वो काशीराम जी ने एक्टिव फील्ड अपनी पॉलिटिकल फील्ड के अंदर चले गए थे, तो ये जो है ये जो बामसेफ का जो काम था वो बाद में उनके दूसरे साथी जो सेकंड लाइन के लीडर थे उन्होंने बामसेफ को लगाया। अब ये कुछ जो है कार्यशैली के अंदर कुछ अलग अलग परिवर्तन होते हैं, तो कार्यशैली किसी को किसी तरह की पसंद आती है, तो कार्यशैली के अंदर थोड़े बदलाव को देखते हुए तो अलग अलग संगठन आज के बने हुए हैं, तो इसके अंदर कोई ऐसा विचारधारा का विरोधाभास नहीं है। आज देश के अंदर अनेक तरह के यूनिवर्सिटी है, तो बामसेफ जो है एक स्कूल है, बामसेफ जो है एक यूनिवर्सिटी है जिससे पढ़ के जो है वो पे बैक टू सोसाइटी के हिसाब से लोग तैयार होते हैं। तो ये जैसे जो अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है और दूसरी तरफ सब तरह की यूनिवर्सिटी हैं, इसी तरह से बामसेफ भी अलग अलग हैं, तो इनको एक अलग अलग इंस्टीट्यूशन की तरह मानना चाहिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी की तरह देखना चाहिए और ये सब अपने अपने तरह से जो है इसके नेता हैं, वो एक एक जो है वो अपने अपने आप में उस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं जो उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और इनके अंदर आप देखेंगे कहीं भी कोई आपस में संघर्ष नहीं है, ना मेन मुटाव है। बिल्कुल ठीक बात है।